जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह है और मैंने आपको पूर्व कक्षाओं में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बात किया था। आज हम उसी का पार्ट टू लेके उपस्थित है। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वह बिल्कुल आधुनिक मत के आधार पर बात करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में मैंने बताया था कि एडवर्ड स्वेस महोदय जो थे, उन्होंने किस तरह से पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को बांटा था। वो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और आज हम जो बात करेंगे वह किसी एक विद्वान का दिया हुआ मत नहीं है, बल्कि बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर के इस मत को तैयार किया है और बहुत सारे अन्वेषण और बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो इसीलिए इसको याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी तरह का परीक्षा हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के आधार पर किस तरह से पृथ्वी के अंदर के परतों को बांटा गया है, अंदर के स्ट्रक्चर को बांटा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वह सिस्मिक वेव के आधार पर बांटा गया है। IUGG ने सिस्मिक वेव के आधार पर पृथ्वी के परतों का विभाजन किया है। तो आप सिस्मिक वेव के बारे में पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है। आप जानते हैं कि कहीं भी भूकंप आता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं फोकस, और जहाँ पे सबसे पहले उसका अंकन किया जाता है, जहाँ पे अनुभव होता है, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। और आप जानते हैं कि जहाँ फोकस होता है वहीं से ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, और वह ऊर्जा लहरों के रूप में निकलती है पृथ्वी से। और आप जानते हैं कि सबसे पहले जो निकलेगी, सबसे पहला जो कंपन पैदा होता है, जो अनुभव होता है, वह होता है उसमें पी लहरें निकलती है। जब दूसरा आता है तुरंत उसके बाद, तो उसमें एस लहरें होती है, यानी सेकेंडरी वेव होता है वह। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है, वो सबसे पीछे से आता है, उसको बोलते हैं एल वेव, यानी पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, या लव वेव भी उसको कहते हैं। पी फॉर प्राइमरी वेव, एस फॉर सेकेंडरी वेव और एल फॉर लव वेव। इसको HD लव महोदय ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम है लव वेव। अब आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पी लहरें जो होती है वह ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है। एस लहरें सिर्फ ठोस में चलती है, जबकि एल लहरें भी ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, ठोस, द्रव और गैस में। अब आपको बताते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। यह ध्वनि तरंग के आधार पर चलती है पी लहरें, जो ध्वनि की जो तरंगे होती है उस तरह से। एस लहरें जो होती है वह प्रकाश के भांति चलती है, और एल लहरें जो होती है वह सर्फेशियल वेव है, वह पृथ्वी के सिर्फ ऊपर चलता है। अंदर में भूकंप आया और वो बाहर ईपी सेंटर तक आ जाता है एल लहरें, और उसके बाद इस पूरे पृथ्वी के ऊपर से वो चलेगा, तो उसको बोलते हैं एल वेव। यह बहुत ही खतरनाक होता है। जो सबसे लास्ट में आता है तीसरा नंबर पे एल वेव, वह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान यही करता है। तो इसके आधार पे इस पृथ्वी के अंदर में तीनों की गति अलग अलग होती है, तीनों किस तरह के चट्टानों में चल सकते हैं, इससे ये पता लगता है कि किस तरह की बनावट होगी पृथ्वी के अंदर में, कैसा घनत्व वाला चट्टान इसमें होगा, चट्टान की विशेषता क्या क्या होगी इसके अंदर में, टेम्परेचर का क्या स्थिति है पृथ्वी के अंदर में, यह भूकंपीय तरंगों के आधार पर जाना जा सकता है। उसी को आधार बनाते हुए यह पृथ्वी को तीन मुख्य परत में बांटा गया है। एक परत है जिसको कहते हैं क्रस्ट, दूसरा है जिसको कहते हैं मेंटल, और तीसरा है जिसको कहते हैं कोर। ऐसे एडवर्ड स्वेस महोदय ने भी सियाल, सीमा और नीफे नामकरण उन्होंने भी किया था, लेकिन उनकी जो बांटने का जो था वो आधार था वह था रासायनिक विशेषता के आधार पर उन्होंने बांटा था। तो इस आधार पे सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो क्रस्ट है, जो मेंटल है, जो कोर है, उसकी विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो क्रस्ट है वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, जो जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक है, और उसके बाद मेंटल शुरू होता है 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, और 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक कोर की मोटाई है। लेकिन यह कंटिन्यूटी जो है उसमें नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा इसमें बीच बीच में चट्टानों में विभिन्नताएं भी पैदा होती है, उनके डेंसिटी में, उनके टेम्परेचर में अंतर होता है। तो क्या क्या होता है जरा इसको एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए, क्रस्ट जो है वह क्रस्ट पृथ्वी के सरफेस से लेकर 100 किलोमीटर नीचे तक है। अब देखिए, ये क्रस्ट भी बटा, ये बना हुआ किस चीज का है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की बहुल, सिलिका और एल्यूमिनियम की, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की बहुलता है। और सिलिका एल्यूमिनियम क्या होता है, यह हल्का पदार्थ है, तो इसीलिए पृथ्वी के ऊपर का जो आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है इसकी घनत्व कम होती है। घनत्व मतलब प्रति
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में उसको बताया जाता है, वह घनत्व इसका कम है, टेम्परेचर भी इसका कम है। अब इसमें क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मात्रा मिलती है वह ग्रेनाइटिक चट्टानों का रहता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइटिक चट्टाने और एसिडिक चट्टाने होती है, यहाँ पे अधिक मात्रा में एसिडिक चट्टाने होती है, ग्रेनाइटिक चट्टाने होती है और सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता है। साथ ही इस क्रस्ट में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? यह एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं ही टूटते फूटते रहता है, उसका नाभिक स्वयं ही टूट जाता है और टूटने के वक्त जो है बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा करता है और वह एनर्जी कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा। अगर पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसी क्रस्ट में, तो निश्चित है कि उसका एनर्जी इसी चट्टान में कहीं ना कहीं पे सिंचित होकर रहेगा, स्टोर्ड होकर रहेगा और अधिक मात्रा में जब इकट्ठा हो जाएगा तो वह बाहर निकलने की भी कोशिश करेगा। तो आप इस चीज को तो समझ गए होंगे, क्रस्ट को। तो क्रस्ट का भी दो पार्ट है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसके दो पार्ट किए जाते हैं, एक है अपर क्रस्ट, दूसरा है लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आता है, उसमें समानता नहीं होता है, उसकी चट्टानों की विशेषताएं थोड़ी अलग है, हो सकता है वह थोड़ी सी सेमी लिक्विड अवस्था में हो, विस्कस अवस्था में हो, उसको उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है कोनराड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटता है, उसको बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। अब कोनराड डिसकंटिन्यूटी का पता कैसे चलेगा? तो देखिए, जैसे ही क्रस्ट को पार करके भूकंपीय तरंगे लोअर क्रस्ट में आती है, यानी अपर क्रस्ट को पार करके लोअर क्रस्ट में, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि उसका घनत्व बढ़ रहा होगा, ऊपर से नीचे का लोअर वाला का घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा क्यों है? ऊपर की जो चट्टानों पर दबाव कम है, आप देख रहे हैं कि ऊपर है दबाव कम है, अब उसी नीचे वाला जो है उस पर दबाव ज्यादा है, उसका निर्माण भी अधिक दबाव में हुआ होगा, इसीलिए उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि पी वेव जो होता है, पी वेव की जो गति है वह ऊपर यानी कि अपर क्रस्ट में 6.1 जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जैसे ही अपर से लोअर क्रस्ट में जाती है उसकी गति बढ़ करके 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? ठोस में बहुत तेज से चल रहा है, द्रव में उसकी गति कम हो जाएगी, तो ऐसे होता है। तो अभी अभी आपको हमने बताया है कि पी लहरें जो होती है वो तीनों में चल जाता है, एस लहरें जो होता है सिर्फ ठोस में चलेगा, द्रव में नहीं, जबकि एल तरंगे जो होती है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, वो सर्फेशियल वेव होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि घनत्व में अंतर होने के कारण भूकंपीय लहरें की गति बदल जा रही है और पदार्थ भी देख रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पे मिलता है। अब उससे नीचे चलेंगे तो 100 किलोमीटर नीचे जब जाएंगे तो आपको एक और परत मिलेगी जो एकदम से लो वेलोसिटी जोन है, वह दुर्बलता मंडल है, उसको कहते हैं स्टेनोस्फीयर। उसको मोहरोविच महोदय ने खोजा था तो अपने ही नाम पे उन्होंने इसको मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी कहा। मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी की विशेषता क्या है कि यहाँ की जो चट्टाने हैं वह आधा पिघली हुई है, उसको बोलते हैं सेमी लिक्विड अवस्था। यहाँ की चट्टाने जो आप देख रहे हैं यह मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी वाला है, यहाँ के चट्टाने जो है वह सेमी लिक्विड अवस्था में है, सेमी लिक्विड, उसको बोलते हैं विस्कस अवस्था में है। विस्कस अवस्था में क्यों है? विस्कस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो ठोस और द्रव के बीच में होता है। आप जैसे आटे को गूंथ दीजिए तो वह ठोस और द्रव भी नहीं रहेगा, या प्लास्टिक को लीजिए, प्लास्टिक को पिघलाइए, आग थोड़ा सा उसको दिखाइएगा पिघलने लगेगा, देखिएगा विस्कस अवस्था में आ जाएगा। या फिर आप बलगम बिकते हैं, बलगम समझते हैं ना, हाँ, उसको बोलते हैं खखार, उसको वो भी एक तरह से इसी तरह की अवस्था है। तो यहाँ पे इसी तरह की चट्टाने मिलती है। अब यहाँ जो पिघली हुई चट्टाने हैं, यही चट्टान के ऊपर प्लेट संचलन करते रहते हैं। जो प्लेट आप पढ़ते हैं, आप प्लेट टेक्टोनिक जब आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे पृथ्वी जो है वह एक क्रस्ट नहीं है बल्कि क्रस्ट टूटा हुआ है। वह क्रस्ट टूट करके 6 बड़े बड़े खंड में टूटा हुआ है, 20 छोटे छोटे खंडों में टूटा हुआ है और टूट के अपने जगह पे स्थिर नहीं है बल्कि उसमें संचलन होते रहता है, उसमें मूवमेंट होते रहता है, उसमें गति होती रहती है और उससे बहुत सारे निर्माण होते हैं।
पर्वत भी बन जाते हैं, पठार भी बन जाते हैं, ज्वालामुखी भी फट जाता है, भूकंप भी आता है। तो इस तरह से यह जो लेयर है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। अब यहाँ पे इतनी एनर्जी इकट्ठा क्यों है, उसके पीछे आप मुख्यतः दो कारण आपको हम बताते हैं। एक तो रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ भी है मेंटल में, जो एनर्जी अपने आप निकालते रहती है, उसका उसका जो नाभि है वो टूटते रहते हैं, तो एनर्जी इकट्ठा हो करके इस लेयर में आके जमा हो जाती है 100 किलोमीटर वाला लेयर में। साथ ही साथ यहाँ पे एक और घटना घटित होती है, हम आपको बताते हैं कि क्या घटना घटित होती है। यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी भी पैदा होता है, जिसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा कैसे पैदा होता है, उसके पीछे ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने कहा है कि देखिए पृथ्वी की जो तीनों परत है, जिसको आप कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों में गति है। पृथ्वी भी घूर्णन करती रहती है पश्चिम से पूरब, ये आप देख रहे हैं, और कोर भी घूर्णन करती है, और मेंटल भी घूर्णन करती है, और ऊपर का जो क्रस्ट है वो भी घूर्णन करती रहती है, और तीनों के गति में अंतर है। तीनों एक साथ घूर्णन नहीं करते हैं, तीनों में के गति में अंतर है। सबसे तेज गति से सबसे सेंटर वाला पार्ट घूमता है, सेंटर वाला पार्ट माने कोर, सबसे तीव्र गति से घूमता है ये पृथ्वी के अंदर में, रोटेट करते रहता है। और मेंटल जो होता है वह मध्यम गति से घूमता है, यानी कि कोर से कम गति से घूमता है मेंटल, और उससे भी कम गति से घूमता है क्रस्ट। क्रस्ट की जो गति होती है वह काफी धीमी होती है। अब आप देखते हैं ना कि प्लेट चलते रहता है, तो आप समझ लीजिए, कोरिलेट करिए, क्रस्ट चलता है, प्लेट भी चलता है, प्लेट चल रहा है इसका मतलब क्रस्ट चल रहा है, और क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर है, तो प्लेट की भी मोटाई कितनी है 100 किलोमीटर, और प्लेट का लंबाई चौड़ाई कितनी होती है या हजारों किलोमीटर हो सकती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्थेनोस्फीयर पे प्लेटें चल रही है, मूवमेंट करती रहती है। स्थेनोस्फीयर में इतना टेम्परेचर इकट्ठा होता है इस रोटेशनल डिफरेंशिएशन के कारण, पृथ्वी के अंदर मेंटल और क्रस्ट उसके बीच में जो रोटेशनल डिफरेंशिएशन है उससे घर्षण पैदा होता है। अब घर्षण बल से एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी इतनी पैदा होती है कि उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, और वह चट्टानों को पिघला डालती है यहाँ पे। तो आप इसको आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एनर्जी इतना क्यों होता है। देखिए इस एनर्जी को निकाला भी जा सकता है, आप सोचते होंगे कि इतना एनर्जी होता है तो पृथ्वी पर तो ऊर्जा की कमी है, क्यों ना इस एनर्जी को निकाल करके उसका उपयोग किया जाए। आप बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं, इस एनर्जी का उपयोग जो है किया जा सकता है, लेकिन इसमें खतरा भी है। होता क्या है कि एक तो एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है, 100 किलोमीटर नीचे है, और इस एनर्जी का प्रयोग आप किस रूप में करेंगे। हो सकता है यहाँ पे अगर आप होल बना करके यहाँ से यहाँ तक आप ले जाए एनर्जी को निकालने के लिए, एक बहुत बड़ा बोरिंग लगा दे यहाँ से यहाँ तक, अब इसको चाहे कि आप निकाल लेंगे, तो एक तो होल बना दिए तो क्या किया आप, एक तरह से यहाँ की चट्टाने तो कमजोर हो जाएगी, यहाँ आपने छिद्र बना दिया, अब यहाँ पे जो गर्म गर्म हवा, गर्म गर्म लावा है जिसको मैग्मा कहते हैं, उसको मिल गया निकलने का जगह। हो सकता है यहीं से वह तीव्र गति से निकल जाए बाहर की ओर, ज्वालामुखी के रूप में, जो वोल्केनिज्म के रूप में बाहर आ जाए, और उससे होगा कि ज्वालामुखी ही फट जाएगा। आप जो है इसको निकालने के चक्कर में ये हो सकता है कि ज्वालामुखी को ही आमंत्रित कर दे, ऐसे भी हो सकता है, तो इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि इसको निकालते जाए एनर्जी को, लावा भी इसके गर्मी निकलेगा तो कहीं कहीं होल भी बन सकता है, उससे क्या होगा कि ऊपर से क्रस्ट इसमें धंस भी सकता है, तो ये खतरा हो सकता है, इसमें बहुत सारे खतरे भी है। तो इस तरह से अभी प्रारंभिक अवस्था में है, कहीं कहीं पे इसमें होल बना करके उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं कि टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है इसमें। टेम्परेचर तो अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। आप ये जान लीजिए कि जनरल नियम है कि प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर पृथ्वी के अंदर, और जैसे जैसे इससे नीचे जाएंगे ना तो 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, नीचे जाते हैं सरफेस से तो बढ़ता है। ऊपर जाकर के 165 मीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे आप 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, सामान्य ह्रास दर। तो अभी तो हम वायुमंडल को पढ़ नहीं रहे, अभी तो पढ़ रहे हैं पृथ्वी के अंतरतम के वायुमंडल को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम अभी सीखेंगे। 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन यह 32 मीटर पर जो 1 डिग्री बढ़ रहा है वह कंटिन्यू नहीं बढ़ता है, बल्कि घटते हुए दर से बढ़ता है। यानी कि पहले तो 32 मीटर में बढ़ गया ऊपर क्रस्ट में,
थोड़ा सा और लोअर क्रस्ट में जाएंगे तो 40 मीटर पर एक डिग्री बढ़ेगा, फिर 50 मीटर पर बढ़ेगा, फिर 100 मीटर पर, उस तरह से आते आते जो है वह 1 किलोमीटर पर एक डिग्री बढ़ेगा, कहीं कहीं तो 2 किलोमीटर पर एक ही डिग्री बढ़ता है। इसका मतलब घटते हुए दर से टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर में बढ़ते जाता है। तो इतना आप समझ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल देखिए, मेंटल में मुख्यतः किस तरह की चट्टाने की बहुलता है, इसमें मुख्यतः जो है वह सिलिका तो मिलेगा ही, सिलिका, इसमें मैग्नीशियम भी मिलता है, जैसा कि सुरेश महोदय ने कहा था। तो सिलिका और मैग्नीशियम निश्चित रूप से आप जो देख रहे हैं सिलिका और एल्यूमिनियम से ज्यादा भारी होता है, तो भारी पदार्थ है इसमें, इसलिए डेंसिटी इसमें बढ़ जाता है। साथ ही इसमें बैसाल्टिक चट्टाने बहुत अधिक मात्रा में है, बैसाल्ट की अधिक मात्रा है यहाँ पे, तो बैसाल्ट भी अधिक मात्रा में है और साथ ही भारी चट्टाने भी है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इसमें थोड़ा मात्रा में लौह तत्व भी मिलता है, लौह युक्त पदार्थें भी थोड़ी सी मिलती है। आप ये मत समझिएगा कि खाली लोहा जो है कोर में मिलता है और इसमें नहीं, इसमें भी मिलता है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। अच्छा, चूंकि इसमें भारी पदार्थ ज्यादा है और दबाव भी अधिक है, आप देख ही रहे कि पृथ्वी का पूरा क्रस्ट का दबाव इस पे पड़ेगा, तो दबाव ज्यादा है तो इसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, तो आप जानते हैं कि ज्यादा ठोस हो गया, ज्यादा घनत्व हो गया तो भूकंपीय तरंगों की गति भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे पीक जो वेव्स है उसकी गति बढ़ जाती है। हमने यहाँ पे लिखा है कि मेंटल में भी दो पार्ट बना हुआ है, एक है अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। अपर मेंटल में 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पी तरंगे गति करती है, और 7.9 के बाद जो है बीच में वह थोड़ी सी धीमी होती है, उसके बाद फिर अचानक उसकी गति बढ़ जाती है, और जैसे ही वह अपर से लोअर मेंटल में पहुंचता है उसकी गति बढ़ के हो जाती है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आप कहेंगे कि 7.9 से 8.1 हो गया, बीच में कुछ हुआ है क्या, तो हाँ, बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी मिलता है जिसको कहते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। इसको रेपेटी महोदय ने खोजा था, अपने नाम पे रख दिया रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। यहाँ की भी चट्टाने जो है वह थोड़ी सी सेमी लिक्विड अवस्था में होगी, इसीलिए इस तरह से डिसकंटिन्यूटी मिलता है, या फिर और भी रिसर्च हो रहा है इसके बारे में पता लगाया। कितना किलोमीटर पे रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है, वह 700 किलोमीटर पे है, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है जो 700 किलोमीटर पे है, और यह दोनों अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं। अब इसमें आपको हम बता ही दिए कि किस तरह की चट्टाने मिलती है। टेम्परेचर देखिए, अचानक से बढ़ के हो जाता है 3700 डिग्री, यहाँ पे मिला 800 से 1200 डिग्री, और यहाँ पे बढ़ गया 3700 डिग्री टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी भी इसका बढ़ रहा है। अच्छा, आपको हम बता देते हैं कि पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वह कितना है, वह लगभग 15 डिग्री है। आप सरफेस पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, यह पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है, लेकिन अंदर जाने पे वो बढ़ते रहता है। यहाँ का जो है मेंटल का औसत टेम्परेचर लगभग 3700 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब जैसे ही मेंटल को पार करके कोर में घुसते हैं, वहां पे अचानक से पी तरंगों की जो गति है वह कम हो जाती है, और एस तरंगे तो इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाता है। एस तरंगे क्यों प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमने आपको यहां बताया है कि एस तरंगे जो है वह सिर्फ ठोस में गमन करती है, तो इसका मतलब है कि यहां पे मेंटल और कोर के बीच में कहीं ना कहीं एक सेमी लिक्विड अवस्था आ रही होगी। इसका मतलब है कि यहाँ की चट्टाने भी शायद विस्कस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, इसीलिए यहाँ पे एस तरंगे प्रवेश ही नहीं करती है, पी तरंगे प्रवेश करती है लेकिन उसकी गति अचानक कम हो जाती है और वक्राकार हो जाती है। वहां पे एस तरंगे की भी जो गति है वो तो कम होती ही है, उसका जो है वह मार्ग भी वक्राकार हो जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे गुटेनबर्ग महोदय ने इसको ढूंढ निकाला और कहा कि वहां पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, इसीलिए ऐसा होता है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगा, कोर और मेंटल के बीच में है, और कितने गहराई पे है, 2900 किलोमीटर की गहराई पे ये मिलता है। अब आप कहेंगे कि इतना एनर्जी यहाँ कैसे पैदा होता है कि यहाँ की चट्टान सेमी लिक्विड अवस्था में है, तो हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि पृथ्वी रोटेट करती है, उसके अंदर का कोर भी रोटेट करते रहता है, उसके बीच का मेंटल भी रोटेट करती है, और उसके ऊपर का क्रस्ट भी, और हमने अभी आपको बताया कि कोर सबसे तेज गति से घूर्णन करती रहती है और मेंटल
थोड़ा कम गति है, अब दोनों के गति में अंतर है, तो दोनों के गति में अंतर है तो घर्षण पैदा हो गया। अब घर्षण से क्या हुआ कि फ्रिक्शनल एनर्जी पैदा हुआ, और वह एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में यहां से निकलेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी कि आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फिर यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है, इसका आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, इसके कारण वह चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो खींचता कैसे है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ पैदा होता है, पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच वाला क्षेत्र में पैदा होता है, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब देखिए ये जो कोर है बहुत ज्यादा घनत्व के पदार्थों से बना हुआ है, कहा जाता है कि जो कोर है वह निश्चित रूप से लोहा और निकेल जैसे भारी तत्वों से बना हुआ है, लोहा और निकेल जैसे भारी तत्वों से बना हुआ है। और चूंकि पूरे पृथ्वी के ये पूरे लेयर का इस पे प्रेशर पड़ता है इसलिए दबाव भी बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे इतना दबाव है और टेम्परेचर तो बढ़ के 4500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो यहाँ की चट्टाने तो पिघल जाना चाहिए, तो आप सही सोच रहे हैं, आउटर कोर जो है वहां की चट्टाने सेमी लिक्विड है, लेकिन लोअर इनर कोर की जो चट्टाने है वह ठोस अवस्था में है। इतना दबाव है ना कि टेम्परेचर जो है ज्यादा होने के बावजूद भी चट्टाने को पिघला नहीं पाती है, पिघलने के लिए जगह होना चाहिए, पिघलेगा तो फैलेगा, फैलने के लिए जगह होना चाहिए ना जी, अब जगह तो है ही नहीं, इसमें इतना दबाव है, अब जगह ही नहीं मिल रहा है तो पिघलेगा कैसे, पिघलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ठोस अवस्था में रहता है। और इसी के कारण जो है पृथ्वी भी ठोस की भांति व्यवहार करती रहती है, और इसी के कारण गुरुत्वाकर्षण है। अब आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं आउटर कोर फिर इनर कोर बोल रहे हैं, इसका मतलब बीच में वहां भी कोई डिसकंटिन्यूटी है कि, तो हाँ वहां भी एक डिसकंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूटी कैसे है, डिसकंटिन्यूटी ऐसे है कि आउटर कोर में टी तरंगों की गति जो है वह थोड़ी सी कम होती है, हालांकि जैसे ही मेंटल को पार करता है इसकी गति अचानक बढ़ करके 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, किसकी गति, पी तरंगों की गति। और जब वह एक और परत है जो जिसको बोलते हैं लेहमान डिसकंटिन्यूटी वहां पहुंचता है तो उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही लेहमान डिसकंटिन्यूटी को पार करता है और वह इनर कोर में पहुंचता है उसकी गति बढ़ के 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका मतलब है कि इनर कोर बहुत ज्यादा ठोस अवस्था में है, यह प्रमाणित करता है ये आपका जो है भूकंपीय लहरें कि पृथ्वी का इनर जो है वह बहुत ज्यादा ठोस अवस्था में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ की एनर्जी तो आप देख रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी है, कभी कभी ज्वालामुखी फटता है तो निकल जाता है, प्लेट उस पर संचलन कर रहा है, अब यहाँ की जो एनर्जी है वो निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वो भी निकलते रहता है। आपको हम बता देते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जो इनर कोर और आउटर कोर, ये कोर और मेंटल के बीच में जो बनता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वह पृथ्वी के इक्वेटर से नहीं निकलेगा, वह यहां से नहीं निकलेगा इधर से नहीं निकलेगा, वह निकलेगा पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कौन से नॉर्थ पोल साउथ पोल से, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल से निकलेगा, और निकल करके वह वायुमंडल में चला जाएगा, निकल के वायुमंडल में चला जाएगा, ये मत समझिएगा कि नीचे चला जाएगा, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी जो है ना यह पूरे ये ब्रह्मांड में ये अटका हुआ है अपने जगह पे, सबके अंदर में एक ग्रेविटेशनल अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसके आधार पे सब आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में अटके हुए रहते हैं। तो इसमें भी जो है इधर नॉर्थ से निकला साउथ से निकला और चला जाएगा कहाँ, वायुमंडल में, कितने किलोमीटर पर, 3600 से लेके 6000 किलोमीटर तक चला जाता है, 3600 से 6000 किलोमीटर के ऊपर चला जाता है, और वहां पे जाकर के एक मंडल बनाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर, इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर बनता है वहां पे। अब इसके बारे में बताएंगे जब वायुमंडल पढ़ाएंगे तब, अभी आप इतना समझ लीजिए कि नीचे से जो एनर्जी निकला ऊपर जाता है, और फिर जो है क्या क्या मैकेनिज्म है इसको हम लोग सीख लेंगे जब वायुमंडल का चैप्टर चलेगा तब। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझे होंगे, और हम आपको बता देते हैं कि जो इसमें डिसकंटिन्यूटी है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको कैसे याद करें उसका फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, यहाँ देख लीजिए हमने लिखा है करेला मग, आप करेला मग इसको क से मतलब कोनराड हो गया जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है, उसके बाद रेपेटी हो जाता है र से, तो ये जो है यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है, उसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है जो कि आपको आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। तो ये तो हो गया
उसके बीच में, उसके बाद मोहर डिसकंटिन्यूटी है जो कि पूरे के पूरे क्रस्ट और मेंटल उसके बीच में है, मोहर असंबद्धता। उसके बाद गुटेनबर्ग असंबद्धता जो कि मेंटल और कोर के बीच में है, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इसको याद करने के लिए हमने लिखा है करेला मग, मतलब कोनराड रेपेटी लेमन और मग माने मोहर गुटेनबर्ग। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब ये आप चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो आप जो है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी जरूर करिए। अगर आपको और भी कुछ सीखना हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, और भी डिटेल में अगर कुछ चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करिए। तो मेहनत लगता है इसमें, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब इसको हम एंड करते हैं। जय हिंद।